Hi, how are you? Walaikum salam. ठीक मैं ठीक हूँ. आप कहाँ से हो? आपका नाम क्या है? जरा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बताइए आप. मैं पाकिस्तान से हूँ. एंड मेरा नाम मोहम्मद दाऊद सुल्तान है और मैं आपको फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा आई एम लिटिल स्केयर्ड टू टॉक टू यू बिकॉज हाउ यू फील अबाउट गाइज, पाकिस्तानी गाइज, हाउ दे फ्लर्ट एंड अब्यूज एंड whatever you say about them, but I just want you to know that they're not every guy is like that, and some guys deny all those things, and they just want to be positive for themselves and for others as well. So this is what I think, but I was really scared when you accepted to talk. Maybe you'll start shouting at me, and you're from No, Pakistan. देखो, no. Any human being knows कि हर कोई एक जैसा नहीं है. I'm from Pakistan. I have men in True. my family. मेरे भी जो जी घर जी में मर्द हैं, वो पाकिस्तान से ही ना, पाकिस्तानी ही मर्द हैं. हाँ वो हाँ लोग तो ऐसे नहीं है. मुझे पता है कि हर कोई नहीं है ऐसा. I have lots of fans. मेरे कितने fans हैं? 80,000, 100,000 जी fans जी हैं. जी मेरे से पता है मुझे. हाँ ज्यादातर 90% मर्द ही हैं. They are good and I have lots of friends. हर कोई नहीं होता है. I know that. मगर जो है उनको हम ये नहीं कह सकते ना कि वो नहीं है, हाँ जी सही क्योंकि है. आप लोग तो हो. मगर आपको पता है आप लोगों से ज्यादा शोर कौन मचाता है? वो लोग मचाते हैं जो ऐसे मर्द हैं, और इंटरनेट पे वो ज्यादा कमेंट्स लिख रहे होते हैं, आप लोग कम कर रहे होते हो. तो इस वजह हाँ से जी वो माइनॉरिटी होगी मगर उनकी आवाज ज्यादा होती बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है. तो फिर इन लोगों का क्या किया जाए? बस बस चुप करके जो है ना, इनको इग्नोर किया जाए. है. मेरे आपने वो ख्याल से तो मिसाल ऐसे ही. सुनी है? आपने एक मिसाल दी जाती है कि कुत्ते की दुम में ना, वो उसको आप जमीन के अंदर गाड़ दो ना, 100 साल के बाद निकालोगे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी. इनके साथ कुछ नहीं हो हाँ सकता जी है, ये वैसे ही ऐसे रहेंगे. क्योंकि मैं एक बात बताऊं ना, क्योंकि जो जिसका दिमाग ऐसा है ना, वो अपने बच्चे को भी वैसे ही सिखाएगा. वो बच्चा हाँ जो जी है हाँ वो भी जी अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाएगा. तो ये बिल्कुल जनरेशन जो बिल्कुल जनरेशन चलती चली जाएगी ये प्रॉब्लम, जब तक हम ये जो मेंटेलिटी जो है वो थोड़ी सी बदलेंगे नहीं लोगों की. जी ऐसे ही ऐसे ही. कभी सीधी नहीं होती है. तो वो So मैं that's आपकी all. और वीडियोस फिर आप देखता कहना हूँ, आपकी चाहोगे? वीडियोस देखता हूँ कि आप बहुत गालियाँ निकाल रही होती है. मैं फिर एंजॉय भी होता है साथ साथ, यानी एक तरह से एंटरटेनमेंट भी होती है, लेकिन फिर एक तरह से फील होता है कि कैसी आवाम है यार पाकिस्तान की. कि वो खैर, अब हमें कुछ नहीं जज नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी होती है, लेकिन जो है ना, आप जिस तरह से आप स्टैंड लेती हो, मैं उसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ. आप इतना ब्रेवली जो है ना, आप सारों की बातों को फेस करती हो. ये नहीं कि उसको ब्लॉक कर दिया या उसको इग्नोर किया, आप उसको सीधा जवाब देते हो, और ऐसे 10 गुना 100 गुना ज्यादा आप उसको जो है ना चढ़ के आप उसकी लेती हो. तो वो मुझे डांट के जो है ना, आप तो बड़ा तरीका आता है, और आप जो है उसको चुप करा देती हो. जो भी लड़का आपके सामने बदतमीजी करे या कोई तरह से बात करे, तो आप जो है ना भाई उसको जवाब देती. मैं फॉलो करता हूँ आपको, आपकी लाइव वीडियोस में होता हूँ, आपकी वीडियोस भी देखता हूँ. कभी इस तरह से मौका नहीं बना तो आज चलो आज बात हो गई. नहीं, मैं इसलिए से आई हूँ. आई हैव ट्राइड कि मैं यहाँ पे लोगों को कॉल पे लूँ तो इंटरेक्शन होती है, पता चलता है कौन से आपके फैंस हैं कौन नहीं है. मैं तो चाहती हूँ कोई आके गाली वाली भी दे ना, कोई ऑपोजिट भी आए, आए ना, हाँ कोई हमारे जी साथ डिबेट भी हो ना थोड़ी. आई डोंट माइंड डिबेटिंग. दूसरा परस्पेक्टिव भी होना चाहिए. मैं भी समझना चाहती हूँ ना कि भाई आप किस परस्पेक्टिव से कर रहे हो आप ये बात. हाँ हाँ यानी जी हर किसी से, देखो हर किसी से मैं डिसएग्री नहीं करती. मौलाना जी की भी बात की तो उनकी, अगर किसी बात से मैंने डिसएग्री किया तो मैं उनकी किसी बात से अग्री भी करती हाँ हूँ. जी तो हर किसी के साथ आपका 100% अग्रीमेंट नहीं होगा, और हर जी किसी बिल्कुल के साथ ऐसे आप 100% डिसएग्री भी नहीं करोगे. तो दैट्स हाउ इट इज. हम लोगों को एक दूसरे को टॉलरेंस टॉलरेंस जो है ना, हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस हाँ नहीं है, वो बिल्कुल वो आ जाए ना, तो सबर फिर नहीं है. बहुत बहुत सारे मसले हल हो जाए. अभी मैं रीड कर रही थी कि कोई 5 साल की बच्ची है, किसी उसके अंकल ने उसको मार दिया क्योंकि वो शोर कर रही थी और वो रोजे में था. अभी न्यूज़ पे, ये अभी आज की ही बात है, अरे उसको उसने मारा कि वो बच्ची मर गई क्योंकि उसने रोजा रखा हुआ था और वो सो रहा था, वो डिस्टर्ब कर रही. ऐसे नहीं, रोजे रखने का क्या ये बड़ी फायदा? ज्यादती है ये वाकई. ये इस तरह के बहुत सारे केसेस खबरों में आते हैं, हम सुनने में आते हैं कि फलां जगह पे
गैरत के नाम पे कत्ल हो गया है, या वो पसंद की शादी करने पे मार दिया गया है, या इस तरह से और हजारों केसेस सुनने में आते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान में क्या 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 हो रहा है। लोग जो हैं जरा भी बर्दाश्त नहीं है, मुझे ना मेन चीज बर्दाश्त की होती है कि बर्दाश्त कर लें, और जो जैसे जो है ना आप जिस तरह से आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहा होता तो आप उसको इग्नोर कर दें, आप अपनी जो आप जिस तरह से आप सोचते हो उस तरह से ना किया करो। तो बस इस तरह से अगर हम सोचते रहें तो फिर जिस तरह पाकिस्तान का हाल है ऐसे ही रहेगा। गैरत के नाम पे एक औरत को इस तरीके से बना दिया गया है ना कि औरत की वाकई में कोई इज्जत नहीं रखी, औरत को कमतर समझा जाता है, कमजोर समझा जाता है, तो वो उस पे दबाव डालते ही जाते हैं। अब आपको नहीं पता कि मुझे कितने लोगों के मैसेजेस आते हैं, कितनी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं जो मुझको कहती है खाली हम लोगों को जरूरत है, हमारे साथ ये हुआ है। मैं तो सुनती हूँ ना, जिन लड़कियों को प्रॉब्लम है वो आप लोगों को थोड़ी मैसेजेस करेंगी, यहाँ पे कॉमेंट थोड़ी करेंगी कि भाई हमको प्रॉब्लम हो रही है, वो फिर मुझे प्राइवेट मैसेजेस करती हैं लाइक, और मैं भी उनकी प्राइवेसी रखती हूँ, मैं सबके सामने आके यहाँ पे नहीं बोल सकती यू नो कि क्या है क्या नहीं है, मगर मैं इतना बता सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और उसको हम जो है। अब जैसे कंदील बलोच का केस था 2016-17 में आई गेस, वो उसने भी जिस तरह उसने स्टैंड लिया एक, तो दैट वाज रियली ब्रेव ऑफ हर, बट देखें उसका अंजाम क्या हुआ मौलाना के साथ पंगा लिया, मौलाना जी को उसने बेनकाब करने की कोशिश की, उसके बाद उसका कत्ल हो गया। उसके वो आप पाकिस्तान में कुछ भी कर लो, आप कर लो, वहां पर लड़कियां वहां पर हैं जिन्होंने न्यूड भी पोस्ट करा है, लड़कियां वहां पर हैं जिन्होंने पॉर्न मूवीज भी बनाई हैं, बहुत कुछ हुआ है, मगर वो लड़कियां जिंदा हैं। मगर जहां आप मौलवियों से पंगा लोगे ना आप गए। बिल्कुल ये है मौलवियों मुल्लाइज्म जो है ना पाकिस्तान में, वो बहुत खराब कर रहा है पाकिस्तान को, अवाम को, अवाम की थिंकिंग को, और बड़ा जो है ना बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि हम जिस तरह जो जो हो रहा है मुल्क में उसको जो है ना वैसा ना हो, और सारे जो है ना बस अच्छे तरीके से खुश रहें, जैसे जैसे दूसरे कंट्रीज में, अब जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्रीज है, न्यूजीलैंड है फॉर एग्जांपल, या यूरोपियन कंट्रीज जो हंगरी वगैरह और स्विट्जरलैंड, सारे इतने खुशबाश सारे रहते हैं, और कोई उसमें इतना क्राइम रेट बहुत कम होता है, बल्कि नेग्लिजिबल होता है। तो पता नहीं कब होगा कि पाकिस्तान में भी वैसा माहौल हो और सारे खुशी खुशी रहे। और हम तो रहते हैं ऐसे माहौल में, हमारे यहाँ पर हम ऐसे ही माहौल में रहते हैं, यहाँ पर इंडियंस भी हैं, हिंदूज भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हर रिलीजन साथ में रहते हैं, यू नो ऐसा कुछ नहीं है जितना वहां पर जो है, यहाँ पे भी होना शुरू हो गया है, मगर इट्स नॉट दैट वन। हाउ अबाउट चेंज द ग्रुप वेयर यू कैन टॉक अबाउट रमजान परहैप्स। नहीं मैंने कोई रमजान के बारे में बुरी बात नहीं की है, रमजान जो है ना आई नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट इट, आई वाज क्या है, या आप एथिस्ट हो या आपका कोई खास रिलीजन है? मैं पारसी हूँ, मगर आई बिलीव इन, मैं अपनी किसी कभी कुछ बात नहीं करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि कार्मा स्पिरिचुअलिटी पे, यू नो आई नो देयर इज अ सुपर बीइंग, ठीक है, मगर एक कार्मा होता है कि आप लोगों के साथ अच्छे रहो आपके साथ अच्छा होगा, अच्छा करो, ठीक है ना, झूठ मत बोलो, ये चीजें बताने वाली हैं, लाइक ऑनेस्ट ये चीजें ऐसी हैं जो एक कॉमन सेंस बंदे को पता होनी चाहिए। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई बुक पढ़नी हो ना, तो एक बुक है कॉन्वर्सेशन विद गॉड, बड़ी अच्छी बुक है, उसमें वो बंदा जो है खुदा से बात कर रहा होता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, तो उसमें बड़ी अच्छी चीज उसने की कि खुदा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम जब चोरी करने जाते हो तो तुमको पता है कि तुम चोरी कर रहे हो, अंदर से तुम्हें फीलिंग आती है वो कि तुम गलत कर रहे हो, जमीर जमीर जो तो वो अंदर से वो आवाज किसकी आ रही होती है आपके, वो अब आप कोई अच्छा काम करने जाते हो तो अंदर से ही वो आवाज आती है, तो वो कहता है खुदा कि वो आवाज आप सुनो। अब लोगों का मेंटेलिटी अब डिफरेंट है, लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, अब किसी के लिए ये गलत है कि मैं ये कपड़े पहन के क्यों बैठी हूँ, उनके अंदर की आवाज आ रही होगी हाय लड़की को बोलो ये कपड़े क्यों पहन के बैठी है, ऐसे डिफरेंट होता है ना, किसी का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, कोई डिफरेंट तरीके से सोचता है, किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है, क्योंकि आप जिस माहौल में पले बढ़ते हो उसका असर पड़ता है। अगर आप ऐसे माहौल में हो जो बहुत कंजर्वेटिव है,
वो आप वैसे ही सोचोगे। अब आप जरा क्यूबा चले जाओ तो वहां पर बुढ़ी बुढ़ी औरतें नहीं इतने इतने शॉर्ट पहन के इतने से टॉप पहन के घूम रही होती। मैं भी देख रही थी क्या होता है ये, क्या मुझे भी आदत नहीं है ना, मगर वहां के लोगों के लिए वो नॉर्मल चीज है। वो हर कोई ऐसी होता है, तो डिपेंड करता है। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। चले मैं अब किसी और को कॉल पे लेती हूँ मोहम्मद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ, बस वो आप मैं भी इग्नोर कर रहा हूँ, आप भी कर रही हैं। बस रहता है कमेंट्स ना ही पढ़े तो बेहतर है। ठीक है नंबर करना करे। ओके चलो ठीक है, बाय हाफिज। हेलो हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम। गुड, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात हो रही थी अभी मौलाना तारिक अच्छा। के साथ के बारे में आप नाम बताएं पहले अपना, कहां से बात कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दिया करें। हसन डेर असमल खान से पाकिस्तान। अच्छा हाँ ओके अच्छा, और आपकी क्या एज है? 24 ओके अच्छा, आप क्या बोलना चाहेंगे बोलिए। मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये जो आप कर रही हैं सब ये जायज नहीं है, इस तरह बैठ के सामने लाइव आना। अच्छा ये किसके लिए जायज नहीं है? मतलब हमारा दीन ये इजाजत नहीं देता कि आप इस तरह के आके बैठे और अपना आप फिर क्यों देख रहे हैं? आपका अच्छा, आपका दीन इजाजत नहीं देता तो आप क्यों देख रहे हैं बैठकर? आप दीन से हट गए हैं, आप जो है ना आप दीन से फारिग हो गए। मैं तो दीन की थी ही नहीं कभी, मैं तो इस दीन की थी ही नहीं कभी। मेरा तो दीन अलग है, देखे मेरा तो दीन ही अलग है, मैं तो हूँ ही जो इस डिफरेंट रिलीजन की ना। क्यों लोगों को गुमराह कर रही है? मैं तो आपको जानता भी था, मैं आपके घर पे बैठी हूँ, मैं आपके घर पे आई हूँ, कह रही हूँ कि आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आके मुझे देखें। मैंने आपके सर पे गोली रखी है, मैंने बंदूक उठाई है, मैंने बंदूक देखो भाई देखो, मैंने इनके सर पे बंदूक नहीं रखी, मैंने इनके सर पे बंदूक नहीं रखी है, आपके अपने हाथ में है, आपके हाथ में ये फिंगर है ना, एक्स का बटन होता है वहां पर, आप वो एक्स दबाओ बंद, कोई गुमराह नहीं होगा। अच्छा आप अपने आप को खुद गुमराह करना चाह रहे हो। क्यों गुमराह कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये समझाने क्या पता क्यों गुमराह कर रहे हो, ये क्वेश्चन तो आप अपने आप से पूछो। ये जो हरकत है आप क्यों देख रहे हो मेरे को, ये अच्छी नहीं है। मैं तो जानता भी नहीं था आपको कि आप हो कौन, सीरियसली तो आप क्यों बैठे हो फिर यहाँ पर? मगर फिर और फिर आप फोन पे भी आए, फोन पे भी आए फिर आप बात करने। जो सिर्फ जो बात थी ना मौलाना तारिक जमील के साथ के बारे में, मैं सिर्फ वही क्लियर करना चाहता कि यार वो क्या सोच रही हैं आप, मतलब उसने क्या, उसने सही बात किया कि यार औरतों ने भी यही किया, आप जैसी औरतों ने भी यही किया। आप समझते हैं, आप समझते हैं कि ये कोरोना हम औरतों के इस तरह के कपड़े पहनने से आया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मेरा ये 100% समझता हूँ। अच्छा तो अच्छा ठीक है, अगर हम और बेहयाई करेंगे तो हम आप सारे मर्दों का खात्मा कर सकते हैं फिर, है ना? हमारे अंदर इतनी ताकत है तो फिर हम तो आप लोगों का सबका खात्मा कर देंगे, है ना? हम अब और भी हयाई करते हैं ताकि आप लोग जैसे माल साले मर्द ही नहीं रहेंगे फिर। सही बात है, औरतों ने सबसे ज्यादा भी यही फैलाई है, सबसे ज्यादा आप जैसी औरतों ने ये मेरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अच्छा ठीक है, औरत बेहयाई करती किसके साथ है? औरत बेहयाई करती किसके साथ है? किसके साथ करती है औरत में शर्म? मर्द करना बंद कर दो, औरतों के साथ बेहयाई करना बंद कर दो, हम भी खत्म कर देंगे, तुम लोग देखना बंद कर दो। आप जैसे के साथ तो करना हिस्सेदार हो, आप ठरकी हो, मान लो आप ठरकी हो कि आपको रमजान में बैठ के देखना है भैया, मान लो। शक्ल से दिख रहा है इसकी, तो शक्ल की स्माइल देखो, इसकी स्माइल से इतनी बढ़िया स्माइल देखो इसकी, कितनी खुशी हो रही है। खुशी तो होगी। हाँ तो खुशी क्यों हो रही है आपको मुझे देखकर भैया? गुस्सा आ रहा जी है, खुशी क्यों होगी आपको मुझे देखकर? मुझे तो टॉलरेंस है, मैं तो बर्दाश्त कर लेता हूँ आप जैसी औरत। मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसी चीज से बड़ी टॉलरेंस आ जाती है आपकी? आपको जरूर फर्क पड़ता होगा मेरी बातों को। किस चीज का? किस चीज का फर्क पड़ता है मुझको? आप समझ जाएंगे, बाकी सब समझ जाएंगे। नहीं मैं कुछ नहीं समझती, मैं छोटी नन्ही गा की बच्ची हूँ, मेरे को कुछ नहीं समझ में, आप समझाइए ना। मैं देखो ना कितनी नादान हूँ, मेरे कुछ पता ही नहीं है, मैं आप लोगों को गुमराह कर रही हूँ, मेरे को नहीं कुछ पता, आप बताइए। और अपनी बच्ची है तो बड़े हो, क्या हुआ
बड़े बड़े पीकर इन्हीं बड़े बड़े हो पे ना, आपकी मम्मी से जितने बड़े बड़े थे उन्हीं के तो दूध पीकर आप इतने हट्टे कट्टे मुस्टंडे हुए हो भैया। तो बड़े बड़े तो खुदा ने दिए हैं, इसी वजह से दिए। देखो देखो, बड़े बड़े खुदा ने इस वजह से दिए कि इससे आप दूध पिलाए। आप इनको क्यों गलत तरीके से देख रहे हो, वो आपकी सोच में गलत है। आप क्यों गलत, आप एक काम करो, सोल्यूशन आंखों पे रखो, हाथ ऐसे हाथ रखो, ऐसे हाथ रखो, जल्दी से ऐसे आंखों पे हाथ रखो। मैं आपको ये और फिर बात करो, अपनी नहीं आंखों पे हाथ रखो और फिर बात करो मेरे से। नहीं नहीं नहीं, आंखों पे हाथ रखिए और फिर बात कीजिए मेरे से। आपको शर्म नहीं आएगी? आंखों पे हाथ, आंखें बंद करके बात करो। मैं क्यों आंखों पे आके हाथ, आंखें बंद करके हाथ बात करो मुझे। आपको शर्म नहीं आती है? नहीं मुझे नहीं आती, आपको नहीं आ रही? मुझे नहीं आती शर्म, मुझे नहीं आती शर्म, मुझे नहीं आती शर्म। आप जो 2000 लोगों के आगे बैठी हुई है, 2000 लोग अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, आप नहीं बैठे? 3000 हो गए अब, 3000 हो गए, 3000 मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती। और आप नहीं बैठ रहे? हाँ मैं बैठूंगी, मेरी मर्जी। आप मत देखो ना, आप मत देखो, आप बंद करो। मैं क्यों बंद करूँ? आप करो ना बंद। अभी आधा तो खड़ा हुआ होगा, मेरे को पता है खड़ा तो हुआ है ना। तुम्हारे शक्ल देखो, इसकी स्माइल देखो। आप जैसे तो खड़ा नहीं होता, टेंशन मत। भैया तुम्हारी शक्ल तो कुछ और ही बता रही है हमको, यहाँ से यहाँ तक पत्ती भी खुली है, आपकी शक्ल तो कुछ और ही बता रही है आपकी। हाय मजा आ रहा है मुझको वैसे आपसे बात करने का, बड़ा मजा आ रहा है मेरे। आपको मजे लेने? अच्छा आप मुझे मजे देंगे? आपकी एज क्या है? आपकी आप एज बताइए अपनी, आप एज बताए अपनी। 24? तो 4+2=6। नहीं नहीं बहुत छोटा है, आप बहुत छोटे हो, मेरा मतलब है आप बहुत छोटे हो मेरे लिए, छोटे बच्चे की तरह। आपको कुछ नहीं पता अभी? अच्छा मुझे कुछ, हाँ सीरियसली मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आप अच्छा ये बताइए, आप है कहाँ से? मैं कनाडा से हूँ। कनाडा से? आप बेसिकली पाकिस्तान? हाँ हाँ बेसिकली मैं कराची से हूँ, पाकिस्तान कराची से। कनाडा गए 20 साल? 20 साल मैं वो हूँ जो 20 साल बाद आएगी पाकिस्तान। अब वो आपको उनके साथ रच गई है ना, आपका जो उनके साथ क्यों रच गई हूँ क्या मतलब? तो भाई आप देखो ना, आपको देखो 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 मेरे को, मैं अब जो है ना, मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई मौलवी वहां पे लेक्चर दे रहा होता है या कोई ऐसी अजीब सी चीज चल रही होती है, मुझे नहीं पसंद होती है, बंद करके निकल लेती हूँ। मैं कहती हूँ यार एंटरटेनिंग नहीं है, आई विल गो, मुझे नहीं पसंद है, मुझे इसकी शक्ल नहीं अच्छी लग रही, मैं बंद करके चली आती हूँ। मगर आप बैठ के देखते हो, बताओ मेरे को क्यों? मैं क्यों देख रहा हूँ? मुझे, मैंने आपको कसम खाई है कि मैं आपको जानता तक नहीं था, अभी मैं फेसबुक पे बैठा हुआ था, पबजी वगैरह। अब तो बहुत अच्छी तरीके से जान गए हो आप मेरे को। हाँ अब तो मैं जान गया, मैं तुम्हें जान गया हूँ। अब तो बड़े पक्के टॉप फैन बन जाओगे आप मेरे, देखना। क्यों बन जाओ? रोजाना देखेंगे, रोजाना आएंगे, मुझे आपकी बेहद। अच्छा तो फिर आगे बंद करो, आगे बंद करो, फिर आगे बंद करो। क्यों बंद करे? आगे बंद करो ना, बेहयाई मत देखो बेबी, मैं बेहयाई दिखाने रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप गुमराह हो, आपका रोजा खत्म हो, आपको गुनाह मिले। मेरी वजह से आपको गुनाह क्यों मिले? आगे बंद करो अपनी, एक काम करो चादर डाल दो, दुपट्टा ओढ़ लो, दुपट्टा ओढ़ लो। अभी तो मेरा कुछ भी उतरेगा, बहुत कुछ भी उतरेगा। ये क्या? हाँ तो उतरेगा, तो उतरेगा, तो आप कैसे इंतजार में बैठे हो कि उतरेगा? तो आप देखोगे, अभी तो आप गए थे, बेहयाई कर रही हो। हाय अपनी बात पे तो कायम रहो आप। 20,000 लोग आपको जो देखे, आपको मजा आएगा देखने में? मुझे बहुत मजा आता है, 20,000 लोगों को भी तो मजा आता है, आपको भी तो मजा आता है। फिर कोठे पे क्यों नहीं चलती हो? कोठे पे चली जाओ, वहाँ पे चलो, वहाँ पे आपकी मम्मी रहती है, वहाँ पे मम्मी आपकी जगह नहीं छोड़ती है, कोई और वहाँ पे जाए। आपकी फैमिली ने कोठे का ठिकाना रखा हुआ है भैया, वहाँ पे आपकी फैमिली हटते तो मैं कहीं जाऊँ ना? ना 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 ना, कोठे पे तो आपकी माँ बहन बैठी है, इसी वजह से तो आप यहाँ आके ऐसे बोल रहे हो। नहीं, जिनकी माँ बहने होती है ना कोठे पे, उन्हीं को कोठे का पता होता है, सिर्फ मुझे इतना पता है, कोठे की पैदावार को कोठे का पता होता है। आप मुझे बताओ, आप अपनी आंखें क्यों नहीं बंद कर रहे? आप क्यों नहीं आंखें बंद कर रहे? आप अपनी आंखें बंद करो, आप अपनी आंखें बंद करो, आप अपनी आंखें बंद करो। शक्ल से ही राल टपक रही है, शक्ल देखो यार, राल टपक रही है हाथ से यहाँ तक। हम दस्ते हैं, शुक्र है भैया जी, मान लो आपको मजा आ रहा है देखने में, ऑफ कोर्स गलती थोड़ी है भाई, हर किसी का खड़ा होता है, हर किसी के जज्बात खड़े होते हैं, मेरा मतलब है हर किसी के जज्बात जानते हैं, बात नहीं है।
नॉट एम्बेरसिंग, आई विल नॉट जज, मैं नहीं जज करूंगी आपको, मैं खुदा थोड़ी हूँ जो मैं जज करूंगी। हाँ हाँ देखो देखो खुशी, अभी तक उसकी बड़ी बात है। चलो अब मैं किसी और को कॉल पे लेती हूँ, आपके लिए इतनी, आज के लिए इतनी खुशी आपके लिए काफी थी, मैं नहीं चाहती आप और गुनाह कमाओ, ठीक है ना, बाय बाय। ये देखिए आप, ये थी लाइव हिपोक्रेसी कि देखना भी है और बेगैरती भी मैं फैला रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? ये ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से हो, आपका नाम प्लीज इंट्रोड्यूस करवा आपने आपको। मैं, मेरा नाम अली है और मैं इस्लामाबाद से हूँ, पाकिस्तान से। अच्छा नाइस, हाउ ओल्ड? 22। 22 ओके, आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो जस्ट इस, आप जो टॉपिक से रिलेटेड बात कर रही थी उससे रिलेटेड थोड़ा सा बात करना चाह रहा था। हाँ, ये जो आपने जो थोड़ी सी, मैंने थोड़ा लेट कर आपकी ये जो वीडियो चैट थी वो सुनी थी, तो उससे रिलेटेड मैं ये कहना चाह रहा था। एक आपने क्वेश्चन रेज किया था कि मौलाना साहब ने मतलब के आके जो डिफेंड किया, मतलब के उनसे माफी मांगी मीडिया से, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि एक जस्ट हमारे रिलीजन में, मतलब इस्लाम में ये है कि अगर आप जाहिलों से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने चाह रहा कि वो ये है कि अगर आप जाहिलों से डिफेंड करना शुरू हो जाओ तो फिर आप जाहिलों में और उसमें फर्क नहीं रहता। तो मेरा ये ख्याल है कि मीडिया में, आपको भी पता है कि मीडिया में जो झूठ होता है वो तो आप जानती हैं कि कितना झूठ होता है, छोटी छोटी बात को जो बताने की बात होती है वो बताते नहीं है, जो बताने की बात नहीं होती वो बता देते हैं, मतलब फेक न्यूज से रिलेटेड मैं ये बात करना चाह रहा था। तो इससे रिलेटेड ये मैं कह रहा था कि हमारे जो इस्लाम में है तो वो तो मतलब कि हर किसी के जो जो मतलब के जो गरीब से गरीब है उसके भी हुकूक हैं, जो अमीर है उसके भी हुकूक हैं, मतलब पड़ोसियों के, मतलब हर बंदे के हुकूक हैं। तो इससे रिलेटेड मैं ये कहना चाह रहा था कि मौलाना साहब मेरे हवाले में, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा था कि उन्होंने तो वैसे ठीक कहा, लेकिन चलो उन्होंने माफी मांगी है। हमारे इस्लाम में यह है कि अगर किसी से आप माफी मांग लोगे तो आपका मतलब कि कद छोटा नहीं होगा, तो मतलब आप माफी मांग लो तो आप, माफी मांगना बुरी बात नहीं है, मगर मैं समझती हूँ कि उनकी फॉलोइंग इंटरनेट पे, अब और भी सेलिब्रिटीज हैं, वकार को देख लो, वकार मीडिया पे इतना काम नहीं करता, मैं वो सिर्फ अभी उसका जो घर सब चीजें चल रही हैं वो सोशल मीडिया से चल रही हैं, राइट। तो मौलाना जी की तो इतनी फॉलोइंग है, इतना वो है, वो हो जाता। और मगर हमारी रिलीजन, किसी भी रिलीजन को पकड़ लो, उसमें ये समझाया जाता है कि आप सच के साथ खड़े हो तो खुदा भी आपका साथ देगा, राइट जी। अगर आप सच के साथ करो, मेरे तो इतनी फॉलोइंग नहीं है जो भी है मीडिया का, मगर मुझे इतना पता है कि मैं जब मीडिया में काम कर रही थी तो काफी सारी चीजें मुझसे कही जाती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो मेरी मर्जी के खिलाफ होती थी, मगर मुझे पता था कि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि देयर इज समथिंग, आपका जमीर होता है ना, अंदर से बोलता है। अभी मुझे दो दिन पहले भी एक ऑफर आई थी कि आपको ये एक इंटरव्यू करना है, मगर उन्होंने बीच में एक शर्ट डाली थी, अब वो मुझे नहीं पसंद, आई वॉज लाइक नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ जाता है तो मैं क्यों करूँ, ठीक है चलो मुझे इतने व्यूज मिले, चलो ये नहीं होगा, मगर एटलीस्ट आई स्टैंड विद द ट्रूथ। मगर अगर वो मेरे ख्याल से ये करते ना, अगर वो माफी नहीं मांगते और अपना स्टैंड लेके वहां खड़े होते ना, तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ती। इतने लोगों ने जिन्होंने शोर मचाया हुआ है ना, वो उनके साथ खड़े होते कि चलो एटलीस्ट समवन इज टेकिंग अ स्टैंड अगेंस्ट द मीडिया, क्योंकि मीडिया इज अ लाई, तो सबको पता है, यू नो। जी बिल्कुल, लेकिन वैसे मैं हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वैसे सीरियसली कि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, नो प्रॉब्लम, हां ऑफ कोर्स, मगर आई थिंक कि वो बेनिफिशियल उनको वो ज्यादा होता है, यू नो, क्योंकि मैं कमेंट्स ही पढ़ रही थी और सम पीपल वर डिसअपॉइंटेड कि यू अपोलोजाइज उनको, ये जस्ट बात, मतलब कि आपने, मतलब पाकिस्तानी एक्टर्स को भी आप जानती होंगी, मे भी आप अगर जानती हो फिरोज खान, मतलब कि डिफरेंट एक्टर्स ने भी उनकी, मतलब कि उनके साथ, मतलब अप्रिशिएट किया कि मीडिया से रिलेटेड, लेकिन तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो उससे रिलेटेड, मतलब कि चलो उन्होंने माफी मांग ली, चलो कोई भी, लेकिन कोई बात है, आप हर इंसान जानता है कि मीडिया में जो चल रहा है वो, हर मीडिया जो है ना आजकल, कोई बात है कि देयर इज नो फ्री लंच, तो फ्री लंच तो बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स, देखो एक लॉबी सिस्टम चलता है ना वहां पे, आप मेरी भीड़ को जाओगे मैं तुम्हारी भीड़ को जाऊंगा, यही चलता है, सियासत है, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स,
इज ऑल अबाउट लॉबिंग सिस्टम, ये हर किसी को अब पता चल जाना चाहिए, और जिसको नहीं पता है वो बड़ा बेवकूफ है भाई। और अभी जो भी यार समझते हैं कि मीडिया पे आपको दिखा रहे हैं वो चीज 100% है, देन आजकल के जमाने में लाइक यू शुड नो कि मीडिया इज नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ 100%। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, आई रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम लोग आई लाइक दिस कि यू नो डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं लोगों के, डिफरेंट चीजें बात करते हैं, एंड इट्स गुड टू गेट टू नो यू नो माय फैंस एज वेल। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच, यू टेक केयर, लाफेस, डोंट रन अवे फ्रॉम लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, आई एम ऑन सिंस लॉन्ग। अच्छा आपको भी कर लेते हैं कॉल, नहीं आई डोंट माइंड, लॉजिक तो अभी मैंने देखी ना, इतनी अच्छी लॉजिक दी उस बंदे ने कि कोरोना आए मुझसे तो सीधे मुंह से बोला भी नहीं जाते कि हम औरतों की वजह से कोरोना वायरस है, हम औरतें तुम लोगों को तबाह बर्बाद कर देंगे। हेलो, सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? तबीयत से ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जमील खान है, मैं इकबाल टोन लाहौर से हूँ, और आप कहाँ से हैं? और आपका नाम तो खैर मैंने देख लिया, मैं लीज अब कहाँ से बात कर रहा हूँ? कराची से हूँ मगर मैं अब कनाडा में रहती हूँ। अच्छा, तो बेसिकली आपने आई वाज जस्ट आस्किंग लाइक व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस लाइव स्ट्रीमिंग, लाइक व्हाट डू यू वांट टू एक्सप्रेस, ईदर इट्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ योर ओपिनियंस और व्हाट? हां, इट्स जस्ट एक्सप्रेसिंग माय ओपिनियंस। ऑलराइट, सो यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन? कैन वी हैव अ लॉजिकल आर्गुमेंट जस्ट फॉर 2 मिनट्स इफ यू आर नॉट बिजी? लाइक हां, लॉजिकली आर्गुमेंट करती हूं मैं इलॉजिकल आर्गुमेंट करती नहीं हूं। देखिए मैं किस चीज पे बात करती हूं, क्योंकि मुझे जिस तरीके का फीडबैक मिलता है मेरे फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे, फिर मैं उस टॉपिक को आके बात करती हूँ, या जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है वी जस्ट टॉक अबाउट दैट। सो आपका आज का टॉपिक क्या है, आपका क्या स्टांस है आर्गुमेंट पे आपके? दो तो अब हमने पूरा वो कर लिया ना, देखो मेरे इस पे सिर्फ 30 सेकंड रह गए, खत्म हो जाएगा, ये लाइव सेशन खत्म होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर पारसी, यू हैव नो राइट टू टॉक अबाउट अदर रिलीजन because you don't know much about other religion. If I started talking about aapka right nahi banta ki aap meri life pe baitho, aapka right nahi banta ki aap meri life pe aake baitho, aap kyun meri life pe aake baithe bhai, aap musliman hai, aap meri life nahi mat baitho, aap phone karna to band karo, main live baithi hu, ye banda phone call kare ja raha hai, dekhte hain ki hamare ab sare log aate hain wapas ki nahi, but it was like getting heated, fir isko dobara se call pe lete kyunki main isko jawab deti hu। मुझे बहुत अच्छे, मुझे बहुत लोग आके बोलते हैं आप इस रिलीजन से नहीं हो तो आप मत बोला करो, ठीक है मैं इस रिलीजन से नहीं हूँ, मैं नहीं इस पे बात करती, तो फिर मेरे पे आके मत बात करा करो, ठीक है ना? अगर आप ये कहते हो कि मेरे को नॉलेज नहीं है, तो आपको नॉलेज है, आपने पूरा कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा हुआ है, और मैं कुरान पे तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो इस्लाम पे बात ही नहीं की, मैं तो इससे बात कर रही हूँ कि भाई वो औरत को व्हाई वाज ही सेक्सुअलाइजिंग, मैं तो इस पे बात कर रही थी, तो आप मेरे से बात जो टॉपिक है ना उस पे रहो, ये आके कहना कि आपको तो इसमें बात करने की वो है ही नहीं, ये ही नहीं, ये लॉजिकल, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। आप आओ दोबारा ज्वाइन करो, मैं तुम्हें दोबारा कॉल पे लेती हूँ, आ जाओ बेबी, जो भी थे आप, मुझे नाम ही नहीं याद रहा उसका, कौन था बंदा, क्या नाम था आपका भैया, जल्दी से वापस आइए, आप कौन थे? इट्स पर्सनल लाइफ, यू रन अवे, मैं नहीं रन अवे, मेरा इंटरनेट जो है वो लाइफ काट देता है, तो दैट्स व्हाट इट इज। मैं कह रही थी ना 30 सेकंड रह गए। हेलो, अभी ठीक है, एक सेकंड आप पहले अपनी बात करो, जब आप एक सेकंड आप अपनी बात करो, जब आपकी बात खत्म हो जाएगी फिर मैं आपको जवाब दूंगी उसका, फिर आप बीच में मत बोलना, तो मैं आपको मौका देती हूँ कि आप पहले अपनी बात करो, ठीक है? मैं आपको डिबेट का उसूल बता देता हूँ, 1 मिनट बाद आप करें, 1 मिनट बाद मैं करूंगा, ये उसूल होता है, ठीक है जी? बोलो। आप ये 22 मिनट हो गया, मुझे आप ये बता, आपका जो टॉपिक था वो सेक्सुअल हैरेसमेंट है वुमेन की, या आप मौलाना तारिक जमील के टॉपिक पर बात कर रहे हैं एज पर योर स्टेटमेंट ऑन योर यू नो हैशटैग और व्हाटएवर यू हैव डिस्प्लेड, आप किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं? मैं इस पे बात कर रही थी, एक तो मेरी पहला टॉपिक ये था कि रमजान में जो है दूसरे लोगों पर जो रोजा रखे हुए होते हैं वो लोग जाके तनकीद करते हैं, जैसे कि वो बंदा पहले आके मुझसे कह रहा था कि आप यहाँ क्यों बैठी हो, हालांकि रोजदार वो है, ये बात कहना। दूसरी बात, हम मौलाना तारिक पे ये बात कर रहे थे कि उन्होंने जो उनके स्टेटमेंट थे वो एक बहुत ही मिसोजिनिस्ट सेक्सुअलाइजिंग ऑब्जेक्टिफाइंग स्टेटमेंट है एक औरत के हिसाब से, ठीक है? तो उस पे हम बात कर रहे थे, मैं रिलीजन पे तो मैंने बात ही नहीं की थी, रिलीजन पे मैं ये कह रही थी कि भैया अगर किसी का रोजा है तो आप मुझे मत देखो, मैं तो किसी के सर पे नहीं आके बैठ रही ना,
मैं तो अपना अपना शो या मैं अपनी जो फॉलोइंग है कंटेंट क्रिएटिंग है वो बंद कर दूं क्या एक महीने के लिए? ठीक है ना? अच्छा आप आपने जो बात की अभी मैं आपसे ये समझाऊं, आपका टॉपिक है लेडीज या वुमन राइट्स के ऊपर, तो बात आपकी पिछली जितने मिनट्स की मैंने स्ट्रीमिंग सुनी उस पर कोई बात नहीं हुई, ठीक है। आपने अब बात की है कि मौलाना तारिक जमील की स्टेटमेंट, देखिए इंसान से गलती होती है, अगर इंसान अपनी गलती को मान ले तो बहसियत इंसान एज अ ह्यूमन एथिकल वैल्यूज ये कहती है कि यू शुड क्लोज दैट टॉपिक इंस्टेड ऑफ बीटिंग अबाउट द बुश, वी शुड स्टॉप टॉकिंग अबाउट दैट। आप यूरोप में रहते हैं, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है दूसरी कंट्रीज में रहने का, इफ समवन अपोलोजाइज द टॉपिक इज क्लोज्ड, इजंट दैट? उन्होंने अपोलोजाइज कब करा इस बात पे? उन्होंने तो अपोलोजाइज डिफरेंट बात पे किया है, अपोलोजाइज उन्होंने जर्नलिस्ट पे किया है, अपोलोजाइज औरतों से नहीं किया उन्होंने, उन्होंने जर्नलिस्ट से अपोलोजाइज किया। उन्होंने जर्नलिस्ट से अपोलोजाइज नहीं किया, गो एंड वॉच दैट वीडियो, ही सेड इंसान से गलती होती है, मैं अपनी किसी भी गलत बात के माफी मांगता हूँ, जो मुझसे गलती से मैंने कोई बात कर दी है मैं रवानगी से बोलता हूँ, कुछ बातें मुंह से निकल जाती हैं, उन्होंने ये कहा, सो इट्स अ कलेक्टिव स्टेटमेंट, ही डिडंट अपोलोजाइज फॉर सिंगल पर्सन। आई डोंट माइंड, चलो ठीक है, उन्होंने ओके ओके ठीक है उनकी वो ठीक है बात, मगर द थिंग इज कि आपने शो पूरा नहीं देखा ना, अभी मैं एक घंटे से लाइव हूं, हमने मौलाना तारिक जमील की सारी बातों पे भी ने बात कर ली, आप लेट आ रहे हो शो में इस वजह से आप कह रहे हो, जो मेरा दूसरे बंदे के साथ बातें चल रही थी ना वो डिफरेंट ही टॉपिक ले आया था, क्योंकि अब तो डिफरेंट ही टॉपिक पे आ गए हैं ना। सो मगर जहां तक ताल्लुक है आपकी आपके बॉडी के रिलेटेड क्वेश्चन का, देखें आप जिस कंट्री में रह रहे हैं आप उस कंट्री से लाइव हैं, यू डिडंट कैप्चर अ स्पेसिफिक ऑडियंस टू यू नो टू टॉक अबाउट, यू नो हर किसी की मर्जी है वो आपके पेज पर लाइव आके बात करता है, नो वन हैज राइट टू टॉक अबाउट योर बॉडी बिकॉज यू आर नॉट अ मुस्लिम, वी कैन नॉट यू नो अप्लाई द इस्लामिक लॉज ऑन यू बिकॉज यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, बट इन दिस परस्पेक्टिव यू इवन डोंट हैव राइट टू टॉक अबाउट इस्लाम बिकॉज इफ वी कैन नॉट टॉक अबाउट योर बॉडी एवरीवन हैज अ लिमिटेशन। मैंने इस्लाम पे तो बात नहीं की, मैंने इस्लाम पे तो बात नहीं की जी, मैंने इस चीज को खुद देखा है कि आपने कहा है कि कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो एक प्रोस्पेक्टिव है, आई डोंट बिलीव कि वो जरूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर इस्लाम का इतना, मैं खुद एक तालिबे इल्म हूं, मुझे इस चीज का शौर नहीं है, बट मैं एक लॉजिकल बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि अगर हमें राइट नहीं है आपकी बॉडी पे बात करने का, आपको राइट नहीं है हमारे रिलीजन पे बात करने का या हमारे इस्लामी स्कॉलर्स पे बात करने का। जहां तक वुमेन राइट्स है तो वी स्ट्रॉन्गली बिलीव कि वुमन को जो राइट है वो मिलना चाहिए और इस्लाम सबसे पहले वुमन राइट्स की बात करता है। अगर आप इस्लामी तलीमात को देखें, अगर आप किसी देसी किस्म के लिबरल के साथ बात करें और वो अपने आर्गुमेंट्स पेश करेगी पाकिस्तान में ये हो रहा है पाकिस्तान में वो हो रहा है, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। जहां तक वुमन राइट्स की बात है, हर इस्लाम का हर बंदा और हर रिलीजियस पर्सन टिपिकली वो वुमन राइट्स का बड़ा ख्याल करता है बिकॉज उसको ये पता है कि मैंने अल्लाह को जाके इस चीज का जवाब देना है। इफ समवन इज नॉट रिलीजियस ही कैन डू एनीथिंग बिकॉज इस्लाम कहता है कि जब आप में गैरत ना रहे तो आप कुछ भी जाके करें, ठीक है ना? सो एज सून एज यू आर गुड मुस्लिम यू विल टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल थिंग दैट इज रिलेटेड टू वुमन राइट, यू नो दिस इज द सिंपल थिंग। और अगर उसके अलावा आप क्रिश्चियनिटी में देख लें, आपके यूरोप में क्या नहीं हो रहा मैं आपको बताता हूँ, क्या वहां पर औरत के साथ इस फॉर्म में जुल्म नहीं होता कि ब्रूटल टॉर्चर होता है, पैसे देकर होता है, पिकिंग अप पिकिंग एजेंट्स होते हैं वहां पर, यू नो डू यू वांट बिजनेस, ओके आई नीड बिजनेस, फिर क्या होता है उसको टॉर्चर करते हैं, वीडियोस लीक करते हैं, वुमेन को पेड वुमेन्स होती हैं, पॉर्न स्टार्स होती हैं, उनके बूब्स पर जो कील ठोंकते हैं पैसे देकर उन वो एक्टिंग करवाते हैं बेसिकली, बट इट्स एक्सट्रीम टॉर्चर, इलेक्ट्रो टॉर्चर होता है वुमेन पे, वो ठीक नहीं। इट इज नॉट लाइक हर दुनिया के हर पार्ट में एक्सट्रीम किस्म के बुरे लोग भी होते हैं अच्छे लोग भी होते हैं। अगर यूरोप ने वुमन को राइट दिया है तो इस्लाम ने भी दिया है, वहां पर एक्सट्रीम किस्म अगर वो इलेक्ट्रो टॉर्चर और वो विपिंग की वीडियो अगर किसी जियो चैनल पे आ जाए तो पाकिस्तान में तहलका मच जाएगा कि इस औरत पे इतना जुल्म हुआ, बट वहां पर आप पोर्न स्टार्स को देख लें, आप किसी भी पोर्न वेब को देख लें, मैं ये नहीं कहता कि मैं पोर्न नहीं देखता, मैं देखता हूँ, आई एम वेरी सिंफुल पर्सन, बट औरत पर जुल्म वहां पर भी होता है, वहां पर पैसे देख होता है, यहाँ पर किसी जबर के साथ होता है, होता वहां भी है, होता यहाँ भी है, पैसों की कोई औकात नहीं होती। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में औरत को जो हकूक दिए गए हैं वो हर मजहब में दिए गए हैं, कुछ बुरे लोग रिलीजन से हटके कुछ करें, सो इस्लाम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्रिश्चियनिटी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, इफ यू आर पर्सन यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दिस इज द बेसिक थिंग, वी कैन नॉट टॉक अबाउट रिलीजन ऑन दैट सोशल लेवल। मैं बोलूं जी, आप बोल रहे हो ना वेस्ट कंट्रीज में होता है, होता है क्यों नहीं होता है? अगर मैं 20
मेरी मर्जी के बजाय मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। मैं रात के 3 बजे बाहर निकलूं, 4 बजे बाहर निकलूं, किसी हालत में बाहर निकलूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं छेड़ा। मेरी फैमिलीज में औरतें हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, उनमें से कभी आज तक किसी के साथ एक भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मैं लड़कियों को जानती हूँ, पाकिस्तान में आप बाहर निकलते हो, भरी हुई किसी कॉन्सर्ट में चले जाओ या संडे बाजार चले जाओ, आपको देखो कितने हाथ लगेंगे। अब मैं बोल रही हूँ ना, आप कितने हाथ लगेंगे। आप वेस्ट से कंपेयर कर रहे हो ना, वेस्ट में आप बीचेस पे बैठ जाओ, वहां पे बिकिनी पहन के आप घूम रहे होगे, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, पॉर्न की आप बात करते हो तो पॉर्न क्या पाकिस्तान में नहीं बनता? आपको, आप जो इस चीज की बात कर रहे हो ना, उसे कहते हैं BDSM, ठीक है ना, जिसमें बहुत पेन और ये होती है। हाँ, चंद औरतें करती हैं, पाकिस्तान में भी करती हैं। प्रोस्टिट्यूशन, पॉर्न और सेक्स इंडस्ट्री हमारी सदियों से चली आ रही है, सदियों से, और ना खत्म हुई है ना खत्म होगी। अब यह है कि इंटरनेट आ गया है तो वो चीजें और एक्सट्रीम होती जा रही हैं। फिर आपने ये कहा कि इन लोगों की ये चीजें रिकॉर्ड करके फिर ये वहां डालते हैं। तो जैनब के साथ क्या हुआ था? जैनब ने तो कोई नंगे कपड़े नहीं पहने थे ना, 7 साल 6 साल की थी वो, उसकी भी तो वीडियो उठाकर वेब पे डाली थी ना। मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, मैंने सुना ना आपकी बात, मेरी बात सुनो, मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ वेस्ट में और वहां पे पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है। वेस्ट में ये है कि हाँ, अगर यहाँ पर कुछ होता है तो मैं जाकर पुलिस में अगर जाके खटखटाऊंगी ना दरवाजा, तो पुलिस मुझको ब्लेम नहीं करेगी। पाकिस्तान में अगर आपका रेप होता है तो पहले तो लॉ ये होता था कि आप 3 विटनेसेस लेकर आओ। पाकिस्तान में लड़कियां मुंह नहीं खोलती हैं, क्योंकि जहां वो मुंह खोलती हैं उनको कैरेक्टर असैसिनेट कर दिया जाता है कि लड़की ने ही कुछ गलत किया होगा, लड़की ही कुछ कपड़े पहन के ऐसी निकली होगी, लड़की ने ही करा होगा कि बंदे ने हरकत की। एक सेकेंड, मैं आपके सारे जवाब दे रही हूँ ना जो आपने कहा। तीसरी बात, आपने कहा कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मुझे इस टॉपिक पे बात करने का कोई हक नहीं है। तो मेरी बात आप ये सुन लो कि पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान नहीं रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी रिलीजन्स रहती हैं, ठीक है ना, मैं माइनॉरिटीज भी रहती हैं, और पाकिस्तान में उन माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जैसे कि मुसलमानों को मिलते हैं। अग्री करते हो ना आप? करते हो। तो फिर अगर पाकिस्तान में आपके यहाँ पर मौलाना जी बैठ के ऐसी बात करेंगे तो मैं एज अ पाकिस्तानी नहीं बोलू, मेरा हक नहीं बनता उस चीज पे बात करने के लिए? अगर आप, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं अगर मुसलमान नहीं हूं तो मुझे इस चीज से बात नहीं करनी? और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज में जितने मुसलमान रहते हैं उनको कोई राइट्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर ये अपने मुल्क में, अगर ये पाकिस्तान में रहते हुए माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं देंगे और अगर हम नहीं बोल सकते तो आप लोगों को भी कोई हक नहीं है ईस्टर्न कंट्रीज में जाकर अपने राइट्स लेने का, ठीक है ना। या आप हमारे क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म या इन चीजों पे बात करो। तो ये बात जो आपने स्टेटमेंट कही है ना, ये बड़ा सोच के बोल रहे थे वुमन राइट्स पे, आप बात को गोल करके लेके जा रहे हैं। नहीं, मैंने ह्यूमन राइट्स नहीं, मैं आपकी बात की जवाब दे रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज को आप नहीं कंपेयर कर सकते पाकिस्तान से, यहाँ बहुत राइट्स है, आपको आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली, इसमें कुछ वक्त की कमी भी है। आप मेरी बात सुने, जहां तक वुमन हैरेसमेंट है, आप अपने केसेस निकाल कर स्टैट्स पे बात करें, आप देखें कि न्यूयॉर्क सिटी में जो मंथली हैरेसमेंट केस होते हैं हमारे पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं करती की बात करें, लॉजिकल बात करें, बहस उनकी आवाज पे नहीं होती। मगर स्टेट्स में भी होते हैं, मगर मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होते, होते हैं, और उनको सजा भी मिलती है। नंबर की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ केसेस डिफाइंड। आप जाकर बोलो, मगर जब रिपोर्ट ही नहीं कर रहे तो नंबर ऑफ केसेस में कहाँ जा रहे हो? नंबर ऑफ केसेस डोंट मैटर, नंबर ऑफ केसेस डोंट मैटर व्हेन पीपल डोंट रिपोर्ट। सो हाउ कैन यू कंपेयर मैम? औरतें रिपोर्ट नहीं करती है पाकिस्तान में, औरतें रिपोर्ट नहीं करती है, कहाँ जाएंगी? नंबर करने का ताल्लुक है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बहन है, मैं आपको अपनी बहन की नजर से देखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात यह है, अगर आपके साथ न्यूयॉर्क सिटी में या कनाडा में या जर्मनी में ऐसे केसेस नहीं हुए तो पाकिस्तान में मेरी भी घर पे माए बहने हैं, उनके साथ भी नहीं हुआ। मैं एक पश्तून फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुनो, मैं सिर्फ बोल रही हूं कि आप लोगों से जो अभी ये बात सुन रहे हैं, जब मैं ज्यादा रिलेशन की बात नहीं करना चाहता था, देखो मैंने आपको टाइम दिया, मुझे बात करने, उसको डेथ
डेथ सेंटेंस होना चाहिए, तो फिर आपके लिबरल कंट्रीज ने उसके अपोज किया था कि डेथ पेनल्टी इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर रेप केस. सो हाउ कुड यू जस्टिफाई? मैं लिबरल नहीं हूँ, यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ ना, मैं यहाँ पे कंजर्वेटिव हूँ. पाकिस्तान में मैं लिबरल हूँ, यहाँ पे मैं कंजर्वेटिव मानी जाती हूँ. मैं आपको एक बात बता दू ना, मैं यही कहती हूँ, हाँ कोई बच्चे का रेप करे उसको हैंग करो, सबके सामने हैंग करो, मैं उसके उसमें अग्री करती हूँ आपसे. मगर आप जब ये कंपेयर कर रहे हो ना, अब आपने यूरोप का स्टैट दिया है ना, मैं अब इस चीज में बात करना नहीं चाह रही थी, मगर अगर आप इसको लेकर ही आ रहे हो ना, तो यूरोप में, इंग्लैंड में, लंदन में जो है ना, काफी देर से, अब ये गूगल जाके सर्च कर लेना कि वहां पर गोरी लड़कियों को उठा उठा के लेके जाया जा रहा था और उनको सेक्सुअल ग्रूमिंग दी जा रही थी. ये केस 15 साल से चल रहा था और यूरोप की पुलिस, गवर्नमेंट वाले सब ऐसे मिले हुए थे, उन लोगों ने कोई रिपोर्ट नहीं करी. अब जाकर पहुंचा है, पाकिस्तानी निकले उस केस में. तो आप मुझको ये बताओ कि अगर यूरोप में भी रेप हो रहा है तो कर कौन रहा है? 98% पाकिस्तानी निकले उसमें. खुद जाके गूगल पे देखो ये केस अभी चल रहा है यूरोप. तो आप ये किस्सा कह सकते हो? आप प्रूफ दे दें. I will apologize for my statement, but ये झूठ है जो आप बोल रहे हैं. प्रूफ दे दें. अरे भाई गूगल करो, गूगल करो, तुम लोग कौन सी दुनिया में हो? गूगल करो, ये केस हुआ है, उन लोगों को सजा मिली है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गूगल करके देख लो. मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो मैं झूठ बोल रही हूँ, गूगल करके देख लो. आपने यूरोप में कितने केसेस हैं कि किसी रेपिस्ट को डेथ सेंटेंस मिली हो? एक केस भी मुझे बता दे. नहीं दी ना, क्योंकि गलत है, देना चाहिए, देनी चाहिए. तो यानी कि जो 98% पाकिस्तानियों को सबको मार देना चाहिए, आपका मतलब है वो सारे पाकिस्तानियों को मार देना चाहिए क्योंकि उन्होंने रेप किया है, राइट? बिल्कुल यही कह रहे हो ना आप. मैं अग्री करती हूँ, मगर मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि आप जो कह रहे हो ना ये झूठ है. प्लीज जाके गूगल कर देना, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है. मुझे कोई ना इंडिया आके पैसे दे रहा है, ना मुझे इजराइल आके पैसे दे रहा है. नोबडी फ्रेंड्स मी. मैं आपको वो बता रही हूँ, पाकिस्तान में रेप केसेस पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से कम है. पाकिस्तान में रेप के ऊपर सख्त 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 कानून मौजूद है और उस पर अमल दरामद भी होता है. यूरोप में ऐसे कानून का भी फुकदान है और ऐसे कानून पर अमल दरामद भी नहीं होता, बिकॉज there are too much human rights, you know, association or non government organizations. क्यों racist नहीं करवाना चाहते हैं? क्योंकि वो ये इस वजह से arrest नहीं करा था उन लोगों ने, क्योंकि अगर वो पाकिस्तानियों को arrest कर लेते तो गोरों को racist बोलते, और वो racist है, हम racist ना कहलवाए. इस वजह से वो लड़कियां जो थी उन लोगों की लाइफ तबाह हो गई. 15 साल लगे उन लोगों को ये करने में. तो लॉ को मानता है कि किसी के racist होने से बचने के लिए हम उस पर लॉ को enforce ना करें? दुनिया का है, मेरे सामने हो रहा है, मेरे सामने कनाडा में हो रहा है. अरे भाई तुमने क्या समझा हुआ यहाँ पर? क्या मैं हर किसी को देखो रेसिज्म पे रो रहा है? हर किसी को देखो रेसिज्म पे रो रहा है? कानून तो ये कहता है कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसकी सजा मौजूद है. अब ये कहाँ का कानून है कि जी वो हम उनको सजा देंगे तो हम रेसिस्ट कहलाएंगे? रेसिस्ट वो तब नहीं कहलाए जब इन्होंने मुसलमानों के हकूक तब लिए जब इनको जरूरत थी. अब ट्रंप के आने के बाद जो नई अमेंडमेंट्स हुई वो रेसिस्ट डिफाइन करती है उनको, ये चीजें रेसिस्ट डिफाइन नहीं करती. राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग. आप ये उन लोगों को समझाओ ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है. मगर दैट्स नॉट द थिंग. द थिंग इज कि यहां के लेफ्ट ने, यहां का जो लिबरल, यहां का जो लेफ्ट और लिबरल है ना, उन लोगों ने तबाह बर्बाद करने का सोच लिया है वेस्टर्न कंट्रीज को भी. तो जो जो चीजें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में या दूसरे मुल्कों में हो रही थी वो यहाँ भी हो रही है. क्योंकि आप एक बात देख लो ना, अब यहाँ सिर्फ गोरे तो रहते नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, चाइनीज भी है. चाइनीज अपना कम्युनिज्म फैला रहे हैं, पाकिस्तानी अपना इस्लाम फैला रहे हैं, सिखिज्म वाले अपना खालिस्तान बना रहे हैं. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें बन रही हैं और वो जो फोर्सेस बन रही है ना, वो जब आके टकराएंगे एक दूसरे से फिर पता चलेगा कि कनाडा और वेस्टर्न कंट्रीज का बनना क्या है. अभी यहाँ पे बहुत कुछ बन रहा है, आपको पता नहीं है कि यहाँ क्या हाल हो रहा है. आप लोगों के पास सिर्फ पाकिस्तानी है, इंडिया सिर्फ इंडियन है, यहाँ सब मिलके अब जो है पूरा इस जहाँ को ना बिल्कुल ही वो करने. अच्छा मुझे जाना है क्योंकि आई हैव टू गो. मैं बहुत देर से लाइव बैठी हूँ, मजा आया सबसे बात करने में आज. आई रियली लाइक टॉकिंग लाइक दिस. आपका पर्सपेक्टिव मैं रखती हूँ, मगर मैं चाहती हूँ कि जो चीजें क्लियर नहीं हो आप वो मुझको क्लियर करो, और जो चीजें आपको क्लियर नहीं है जैसे कि मैंने आपको बोला, तो प्लीज जाके गूगल पे सर्च जरूर करना. मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, प्लीज गो सर्च. और आप देखना कि क्यों और इन लड़कियों के साथ कितनी, यानी दैट वाज सच अ बैड थिंग दैट हैपेंड. गूगल पे आपने किस स्टेट का बताया था ये केस?
ग्रूमिंग गैंग्स, यूके ग्रूमिंग गैंग्स, बस ये तीन चीजें सर्च करना यूट्यूब पे भी और उस पे तुम देख लो। मैं यूके में रहा हूँ, लंदन में, और ये पैकम में हमारा बिजनेस भी है, सो ऐसा मुझे यूके का इंफॉर्मेशन है, आई विल चेक आउट दैट, नो प्रॉब्लम। एक मैं एक बात बताऊं, उसमें एक चीज जो है, एक केस था, एक लड़की थी वो ये फलाफल शॉप गई थी, मिडिल ईस्टर्न थे वो लड़के, वो एड्रेस पूछने गई थी अंदर, उसको ऊपर लेके गए, उसका रेप किया और उसकी बॉडी को उन्होंने करके कबाबों में करके बेच दिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं चीजें सुन के, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, मैं बना नहीं रही हूँ, ये जाके खुद सर्च कर, मैं जब तक देखूंगा नहीं था, ऑब्वियसली किसी के स्टेटमेंट पे, आप देखो जरूर देखो और फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके, चलो, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय। Okay guys, I have to go. मेरा गला सूख गया है बात कर करके कर करके। अच्छा, जिन जिन को लगता है कि मैं झूठ बोल रही थी, भैया जी मुझे झूठ, मैं तुम लोगों के बाप से डरती हूँ कि मेरे को झूठ बोलने की जरूरत है, या मेरे को इंडिया ने हजारों थाउजेंड दे देने, या इसराइल ने थाउजेंड दे देने, मेरे किसी ने बिल नहीं पे करने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सच खुद जानो, सच खुद जानो, खुद गूगल करो जाकर इस चीज को और खुद देख लो कि वहां पे क्या हो रहा है। उसके अलावा जर्मनी में 2014 था या 15 था, न्यू ईयर्स की ईव पे जो सबसे बड़ा रेप मोलेस्टेशन हुई थी वहां पर, वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स थे और ज्यादातर मुसलमान थे, सोमालियंस थे और पता नहीं कहां कहां से आए हुए थे। तो ये चीजें तुम लोग सर्च करो, मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, दिस इज हाउ इट इज। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन दैट वॉच्ड एंड आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस शो। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे, मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर एवरीवन एंड आई लव यू ऑल। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और भी बातें करेंगे। भैया आप लोग जो रंडी रंडिया बोल रहे हो ना, आप लोगों को भी मैं कॉल पे लूंगी, मगर आप लोगों को जब मैं कॉल पे लेती हूँ ना, तो आप लोगों के टट्टे जो है वो भाग जाते हैं और आप लोग कॉल पे आते नहीं हो। मैं तो चाहती हूँ आप आगे मेरे को मुंह पे गाली दो, मैं देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे को मुंह पे गाली दे सकते हो कि नहीं। तुझ पे 370 दफा, 400 टाइम्स क्यों नहीं, देखो ना। एनीवेज, बाय गाइस, इंस्टाग्राम पे भी बंद एंड यहाँ पे, एंड आई एम बैक। ओह, आई लाइक दिस। के साथ कितनी, यानी that was such a bad thing that happened। क्या गूगल पे आपने किस स्टेट का बताया था ये केस? ग्रूमिंग गैंग्स, यूके ग्रूमिंग गैंग्स, बस ये तीन चीजें सर्च करना यूट्यूब पे भी और उस पे तुम देख लो। मैं यूके में रहा हूँ, लंदन में, और ये पैकम में हमारा बिजनेस भी है, सो ऐसा मुझे यूके का इन्फॉर्मेशन है, आई विल चेक आउट दैट, नो प्रॉब्लम। एक मैं एक बात बताऊँ, उसमें एक चीज जो है, एक केस था, एक लड़की थी वो ये फलाफल शॉप गई थी, मिडिल ईस्टर्न थे वो लड़के, वो एड्रेस पूछने गई थी अंदर, उसको ऊपर लेके गए, उसका रेप किया और उसकी बॉडी को उन्होंने करके कबाबों में करके बेच दिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं चीजें सुन के, दिस इज अ ट्रू स्टोरी, मैं बना नहीं रही हूँ, ये जाके खुद सर्च कर लो। हाँ नहीं, आप देखो जरूर देखो और फिर मुझे मैसेज करना, ठीक है? ओके, चलो, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, ओके, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय। ओके गाइस, आई हैव टू गो, मेरा गला सूख गया है बात कर करके कर करके। अच्छा, जिन जिन को लगता है कि मैं झूठ बोल रही थी, भैया जी मुझे झूठ, मैं तुम लोगों के बाप से डरती हूँ कि मेरे को झूठ बोलने की जरूरत है, या मेरे को इंडिया ने हजारों थाउजेंड दे देने, या इसराइल ने थाउजेंड दे देने, मेरे किसी ने बिल नहीं पे करने। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सच खुद जानो, सच खुद जानो, खुद गूगल करो जाकर इस चीज को और खुद देख लो कि वहां पे क्या हो रहा है। उसके अलावा जर्मनी में 2014 था या 15 था, न्यू ईयर्स की ईव पे जो सबसे बड़ा रेप मोलेस्टेशन हुई थी वहां पर, वो ज्यादातर इमिग्रेंट्स थे और ज्यादातर मुसलमान थे, सोमालियंस थे और पता नहीं कहां कहां से आए हुए थे। तो ये चीजें तुम लोग सर्च करो, मैं बना के नहीं बोल रही हूँ, दिस इज हाउ इट इज। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन दैट वॉच्ड एंड आई होप यू गाइज एंजॉयड टुडेज़ शो। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, ट्विटर पे देख रहे हो, जहां भी देख रहे हो, यूट्यूब पे, मेक श्योर कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर एवरी वन एंड आई लव यू ऑल। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे और भी बातें करेंगे। भैया आप लोग जो रंडी रंडियां बोल रहे हो ना, आप लोगों को भी मैं कॉल पे लूंगी, मगर आप लोगों को जब मैं कॉल पे लेती हूँ ना, तो आप लोगों के टट्टे जो है वो भाग जाते हैं और आप लोग कॉल पे आते नहीं हो। मैं तो चाहती हूँ आप आके मेरे को मुंह पे गाली दो, मैं देखना चाहती हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मेरे को मुंह पे गाली दे सकते हो कि नहीं। तुझ पे 370 दफा, 400 टाइम्स क्यों नहीं, देखो ना। एनीवेज, बाय गाइस,
इंस्टाग्राम पे भी बंद एंड यहाँ पे भी बंद। बाय बाय।